ये जो आप देख सकते हो ये 3 HP की मोटर है जो अभी हम मंकी में फिट करेंगे, और इसमें 50 मीटर का वायर है, और वायर का ये सपोर्टर भी आया, क्लच में आती है, कॉपर वाइंडिंग में आती है। इतना सारा सामान हम इतनी सस्ती रेट में दे रहे हैं। ये इसका बूम है, फाउंडेशन है, इसकी मोटर हो गई, 2 ट्रॉली हो गई, और ये 250-300 किलो का वेट आराम से ये चुटकियों में चढ़ाती है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आती। मोटर भी खोल के बताएंगे, फिटिंग भी बताएंगे, रेट भी बताएंगे, तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना, और इसका पूरा चलता हुआ टेस्टिंग वीडियो भी बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी फिटिंग देखिए। ये जो इसका फ्रेम रहता है, ये फ्रेम में ये पाइप लगाते हैं, इसमें जो नीचे रहते हैं ये इस तरीके के 4 नट रहते हैं, फाउंडेशन रहता है मंकी लिफ्ट का, ये क्या रहता है बहुत हैवी ड्यूटी है। अब इसमें जो हमने ये पाइप लगा रखे हैं काटने के लिए, ताकि ये क्या रहे, इसमें बांस बल्ली लगा देते हैं, और इधर भी एक यूं सीधी बांस बल्ली लगा देते हैं, ये रहता है काउंटर वेट रखने के लिए। काउंटर वेट ये होता है कि मंकी पे अगर आप 50 किलो आगे लिफ्ट कर रहे हो तो 60 किलो आपको पीछे रखना पड़ता है, तो काउंटर वेट इसे बोलते हैं, इससे मंकी लिफ्ट पलटा नहीं मारे, ठीक है। अब ये इसके जो बेयरिंग है मैं आपको बताता हूँ, नीचे आता है टेपर बेयरिंग रहता है, ऊपर रोलर बेयरिंग रहता है, और इसके जो शाफ्ट है 6 इंची 55 mm की आती है, जो लोड को जब लिफ्ट करो तो बेंड नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा स्ट्रक्चर हम आपको बहुत अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये आप घर बैठे कहीं भी मंगा सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये का इसका ट्रांसपोर्ट रहता है इतना सारे माल का, तो कहीं भी आप घर बैठे आराम से मंगा सकते हो, और बहुत बढ़िया बिजनेस है अगर आप किराए पर देते हो। लोग बात क्या कर रहे हैं कि इसे किराए पर चला रहे हैं 200-300-400-500 रुपये रोज पे एरिया के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये पूरा ये नट से कस दिया, और ये जो बोल्ट रहते हैं ये भी TVS के रहते हैं, 10.1 ग्रेड का मटेरियल है, इसकी चूड़ी आसानी से ख़राब नहीं होती है। मंकी लिफ्ट के सपोर्टर रहते हैं जो साइड में इस तरीके से लगते हैं, ये आप देख रहे हो इस तरीके से आपको साइड में लगाना पड़ता है सपोर्टर, ये क्योंकि क्या रहता है जब ये ऊपर लिफ्ट करे तो ये पाइप पे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मजबूती रहनी चाहिए, वजन को आराम से लिफ्ट करे, इसलिए 4 सपोर्टर रहते हैं। अब हमने इसमें क्या कर दिया, बेयरिंग लगा दिया, लेकिन आपको ऐसे जब रिसीव हो मंकी लिफ्ट तो आपको ऐसे बेयरिंग सूखा नहीं लगाना, ग्रीस भर के बेयरिंग लगाना, एक पाउच में हम पैक करके देते हैं ग्रीस, तो वो लगाना आपको। अब देखिए मंकी को इस तरीके से फिट किया जा रहा है, इसका बूम रहता है ये नीचे, इस पर यूँ लग जाए, आपको इसमें पूरा ग्रीस भरना है। जब भी आप ये बुक करोगे आपके पास पहुँचेगा तो ग्रीस का एक पैकेट भी आएगा, तो पूरा ग्रीस भर के आपको लगाना है। ये सूखे बेयरिंग इस तरीके से नहीं डालना है जैसे हम लगा रहे हैं, खाली हम टेस्टिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब ये बेयरिंग हमने इसमें डाल दिया के बाद ये डबल चेक नट रहता है, डबल चेक नट क्या खुलता नहीं, ये इस तरीके से फटाफट टाइट हो जाता है, और ये इधर पीछे लॉक लगा हुआ है, ये देख सकते हो ये मंकी में ये लॉक लगा हुआ है, ये आके गिर जाता है तो लॉक हो जाती है सेंटर पॉइंट पर आके, ये देखिए ये लॉक हो गई फटाफट। तो आप मंकी लिफ्ट कभी भी आपको रिसीव हो अगर हमसे लेते हो तो ये इस तरीके से यहाँ लगे हुए आएंगे। तो ये बता दूं ये मोटर के फाउंडेशन है जो इस तरीके से पाइप में पीछे लगते हैं, ये मोटर इसमें हमें कसना पड़ती है, अभी पूरा मोटर भी अनबॉक्स करके बता रहे हैं, अभी इसकी फाउंडेशन लगा रहे हैं, मोटर कसने के लिए रहता है ये इस तरीके से फाउंडेशन लग जाता है मंकी लिफ्ट का, यहाँ मोटर लगेगी, ये मोटर के लिए आते हैं, ये नीचे नट डल जाएगा और आपको टाइट कर देना है इसको, ये देखिए वॉशर लगा के, और हैवी ड्यूटी नट है स्टील के, 10.1 ग्रेड मटेरियल है, हार्डनेस वाला। तो ये जो आप देख सकते हो ये 3 HP की मोटर है जो अभी हम मंकी में फिट करेंगे, और इसमें 50 मीटर का वायर है, और वायर का ये सपोर्टर भी आया, क्लच में आती है, कॉपर वाइंडिंग में आती है, और ये इसमें वोल्टेज मीटर है, पूरा भी सेटअप करके बता रहे हैं, पूरा बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये मंकी लिफ्ट में मैं आपको इतना बढ़िया फीचर बताऊंगा, सिंगल टोचन में कितना वेट जाता है, डबल टोचन में कितना वेट जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ये हुक काम कर रहता है, जैसा आप देख रहे हो ये नीचे जो सरिया निकल रहा है गोल यू शेप का, ये काम कर रहता है। जो मंकी लिफ्ट के साथ हम जो ट्रॉली देते हैं इसमें भी यूं ऐसा शेप का सरिया लगा के रखते हैं, इसमें चेन भी देते हैं, और ये पहिए डबल व्हील में आएगी, और ये जो इसके हैंडल देख रहे हो ये डाउन हो जाते हैं, ये कभी भी अपन छत वत पे चलाते हैं ना तो ये यूं इस तरीके से नट निकालो और यूं इसे हैंडल को डाउन कर लो, तो ताकि क्या रहता है जब ये ऊपर चढ़े तो छत वत पे अड़ते हुए नहीं चले और ज़्यादा जगह नहीं ले, तो इस तरीके के हम हैंडल इसमें देते हैं, डबल व्हील में आती है, रबड़ व्हील आते हैं, ये ख़राब ही नहीं होते, इंसान ही ख़राब हो जाएगा लेकिन ये ख़राब नहीं होते, तो इसकी ये खासियत है। और ये सिंगल टोचन में जो वेट उठाती है 200-250 किलो आराम से उठा लेती है, और डबल टोचन में आप इसे 400 किलो आराम से उठा सकते हो। डबल टोचन का किस तरीके से यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ, उसकी एक ट्रॉली अलग आती है, पुली लगती है, अगर डबल टोचन का यूज करना चाहते हो आप तो यहाँ पे एक पुली और एक्स्ट्रा लगती है,
तो इनको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है ताकि टोचर का जो थिकनेस है अब 8-8 है, तो 16 mm ऐसे बनाते हैं इसको, ये यूं हुक लगा देते हैं, ये हुक लगा देते हैं और यहाँ पे एक पुली लगती है, तो ये डबल टोचन हो जाता है ताकि टोचन पे ज़्यादा लोड नहीं आता और हेवी वेट होने से ये टूटती नहीं है, इसलिए ये हुक लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं आराम से। ठीक है, अब इसको चालू करके बताते हैं आपको मंकी को। आप देख सकते हो इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है, बहुत ही सही रेट में, बहुत ही सस्ती रेट में, और ट्रोलियों के साथ तो आप कहीं भी मैच ही नहीं कर सकते प्राइस, इतना सस्ता हम आपके लिए लेके आए और इंडिया में पहली बार लेके आए। ऑन स्पॉट डिलीवरी है, ऑन टाइम डिलीवरी है, आप ऑर्डर करते हो तो कल ही हम डिस्पैच कर देते हैं, ऑन टाइम आप कभी भी मंगाओ ये वाली मंकी लिफ्ट। और देखो आप, ये इसकी हमने आपको टेस्टिंग करके बताई है। अब ये जो इसमें बैठा हुआ ये 50 किलो का है, 20 किलो की ट्रॉली है, 70 किलो तो हम यूं ही उठा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो ये पूरा हेवी ड्यूटी काम कर रही है, आप देख सकते हो। अब हम मोड़ के भी बताते हैं, रोको रोको, ठीक है, अब मोड़ के भी बताओ। हाँ, ये काउंटर वेट का मतलब इस तरीके से रहता है कि अगर आप 70 किलो इधर लिफ्ट कर रहे हो तो आपको 80-90-100 किलो इधर रखना पड़ता है, तभी जाके ये स्टेबल हो पाती है। काउंटर वेट रखने के लिए इसमें ये होल हमने पाइप लगा रखे हैं, तो एक पाइप इधर से इधर चल जाएगा, उस पर रख लो और एक इधर रख लो, तो काउंटर वेट इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। ये हमने इसका रोटेशन कर रहे हैं, देखो ये ऑटोमेटिक आके लॉक लग जाता है। ठीक है, और अब इसे डाउन कर देते हैं, तो ये आपके लिए लाइव टेस्टिंग है। और ये ट्रोलियों के साथ है, चाहो आप सिंगल व्हील लो चाहे डबल व्हील लो। ये हमारी फैक्ट्री है राजस्थान में, हमारा एड्रेस है झालावाड़ के अंदर कोटा के पास, आप हमारी फैक्ट्री में कभी भी आके विजिट कर सकते हो, ट्रोली ले सकते हो या आपके घर पे घर बैठे मंगा सकते हो ऑन टाइम डिलीवरी के साथ। और ये दो ट्रोली हैं।